साथ में आपके साथ समर मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। और समर में हमको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए और कौन सा फेस पाउडर यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको सब शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस पे आइस क्यूब अप्लाई करूँगी, तो मैं एक से दो आइस क्यूब अप्लाई करूँगी। मैं इसको एक कपड़े में लेके अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो खाली आइस क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं। आइस अपने फेस पे अप्लाई करने से हमें ना पसीना नहीं आता है ज़्यादा और हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा टिका रहता है। तो मैंने यहाँ पर एक से दो आइस क्यूब अप्लाई करी अपनी फेस पे और मेरा फेस फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है और इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई होने दूँगी। इसके बाद मैं पॉन्स का मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। को अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं जॉय की सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी अपने फेस पे लिटिल अमाउंट में लेके। समर में तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। डे हो नाइट हो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद मैं एन बाय वे का प्राइमर अप्लाई करूँगी रिटेल अमाउंट में लेके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी फेस में। इसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लूँगी और अपने पूरे चेहरे पे डॉट डॉट लगा के अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं सिस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। अब इसको थोड़ी देर ड्राई होने दूंगी, इसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इससे हमारा मेकअप अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई करूँगी अपनी अंडर आइज पे, क्यूपिड बो पे। और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसके बाद मैं इनसाइड का बनाना पाउडर अप्लाई करूँगी। समर में हमें ना कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसके बदले हम बनाना पाउडर या लूज पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनसाइड का बनाना पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी मेकअप ब्रश की हेल्प से।
इसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं हिलेरी ग्रोडा का आई शेडो पैलेट लूँगी, इसमें से डार्क पिंक कलर और गोल्डन कलर अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे। और कॉर्नर पे मैं गोल्डन कलर का आई शेड अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं मियोन का मस्कारा अप्लाई करूँगी अपने आई लैशेस पे। इसके बाद मैं लैक्मे का लाइनर अपना अप्लाई करूंगी। अब मैं सफार का कॉन्टोर अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे। इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी SFR का। इसके बाद मैं NYW की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, पिंक शेड है इसका। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।